दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जेंडर प्रिडिक्शन सीरीज़ में ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। इसके ऊपर भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या तो फिर एंड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। और यकीन मानिए, ये जो 5 मिनट है आपको काफ़ी इंटरटेनमेंट लगेगा। और देखिए, सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं ही नहीं बल्कि उनके पति या फिर अदर रिलेटिव्स भी, उनके मन में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि उनके घर में जो पल रहा बच्चा है वो एक लड़का है या एक लड़की है। क्योंकि देखिए, हम लोग नहीं चाहते हुए भी ये ख्याल तो कभी ना कभी मन में ज़रूर आता है, जो कि सच है। और देखिए, ये एक फ़न गेम है, गेसिंग गेम है। अगर आप इसको क्यूरियोसिटी के या फ़न के लेवल से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है या फिर कुछ, मैं एंटी सोशल लोगों की बात कर रही हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो भी मैं एक्सपीरियंसेस मेरे जो अपने हैं, जो कि मेरी दोनों प्रेगनेंसीज को लेके हैं, जैसे मैंने बताया था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बेबी बॉय हुआ था और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जो कि एक ट्विन प्रेगनेंसी है जिसमें मुझे बेबी बॉय और गर्ल दोनों हुए हैं, तो उन मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, मुझे क्या अच्छा लगा, या ओल्ड वाइफ टेल के भी हिसाब से क्या चीज़ें मेरे साथ सही हुई या नहीं हुई, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम चीज़ें ही मैच करें। तो अगर आपको बस फन के नियत से देखना है तो ये वीडियो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ ज़रूर लास्ट में। तो स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके जो हेयर का ग्रोथ होता है, चाहे वो पैरों का हेयर हो या फिर नॉर्मल हेयर के जो ग्रोथ हैं, हाथों पे बाल जो होते हैं, उनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तो उसके पीछे की जो फैक्ट्स है या मिथ्स है उसके बारे में पहले डिस्कस कर दूं। देखिए, साइंस भी इसे इतना अच्छे से प्रूव किया हुआ है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी के दौर पर गुजरती हैं, आपके शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा मैंने यही बात बोली कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हो, लेकिन ओल्ड वाइफ टेल के हिसाब से उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आपके जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो या फिर अगर मोटे मोटे से बाल हो, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो पल रहा जो बच्चा है वो एक लड़का होगा। और उसी तरफ अगर लड़की की बात की जाए तो उस समय जो हेयर ग्रोथ है वो थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक इंसान अगर जिसके हॉर्मोन्स कुछ ज़्यादा ही हैं तो मे बी हो सकता है कि उनके हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो, तो ये डिपेंड करता है। और रही बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मैं बता दूँ, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के हिसाब से, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जैसा मैंने बताया कि हेयर ग्रोथ को मैंने थोड़ा सा नोटिस किया था उस वक्त, तो मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि पहले मेरे हेयर ग्रोथ्स नहीं होते थे, बहुत ही लाइट ग्रोथ होता था, बहुत ही लाइट, मतलब पैरों पे पता ही नहीं चलता था, और मुझे वैक्सिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बेबी बॉय कंसीव किया, मैंने ये देखा, ऐसा नोटिस किया कि मेरे हेयर ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अनुभव थे, जो कि ये ओल्ड वाइफ टेल मेरे साथ तो सही हुआ। अब आपके साथ क्या सही हुआ, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके साथ अभी क्या चल रहा है, आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। और रही बात अभी जैसे मेरे सेकंड प्रेगनेंसी की, तो इस बार मैंने इतना नोटिस नहीं किया था, नॉर्मल हेयर ग्रोथ थे जिसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, नॉर्मली जो था। लेकिन हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा हुआ था, और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर आपके गर्भ में अगर मेल बेबी है, मैस्कुलिन है, तो आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ मैस्कुलिन हार्मोन्स भी आपके अंदर रन कर रहे होते हैं जिसका ये सब रिजल्ट होता है। तो एक बार कमेंट ज़रूर करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आंसर दूंगी, कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। या तो आप वीडियोस के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, या तो अपनी बात अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं लेकिन मुझसे शेयर करना चाहते हैं आपकी कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड स्टोरीज़, जो कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचानी काफ़ी ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल भी करिए। मेरी मेल ID आपको नीचे दी हुई है, तो आप अपनी बात मेल ज़रूर करिए। और अगर आप चाहिएगा तो आपका नाम रिवील होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं मेल्स खुद चेक करती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और मुझे रेगुलरली कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ देने के लिए। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।